एक टाइम था जब अक्षय खन्ना बॉलीवुड पर राज कर रहे थे, लेकिन उनके बालों ने उनका साथ नहीं दिया तो अपने करियर के पीक से नीचे आते रहे। दोस्तों, अक्षय खन्ना को तो सभी जानते हैं या आपने इनकी फिल्में जरूर देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो में हम अक्षय खन्ना के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको अक्षय खन्ना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय का रियल नेम अक्षय खन्ना है और निक नेम अक्षु है। अक्षय का जन्म 28 मार्च 1975 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ और 2022 के हिसाब से 47 साल के हैं। दोस्तों, अक्षय ने 10th क्लास तक की पढ़ाई बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल बाबुलनाथ से की और फिर 11th और 12th क्लास इन्होंने लॉरेंस स्कूल लवडेल ऊटी से की, जिसके बाद अक्षय ने HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। दोस्तों, अक्षय खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वो पढ़ाई से अच्छा स्पोर्ट में थे। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना के करियर के बारे में। दोस्तों, अक्षय ने अपने करियर की शुरुआत 1997 में फिल्म हिमालय पुत्र से की और इस फिल्म में इनके पिता विनोद खन्ना के साथ ही बॉलीवुड के कई कलाकार थे। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चली, लेकिन इस फिल्म की वजह से अक्षय को स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था और 1997 में ही अक्षय अपने करियर की दूसरी फिल्म बॉर्डर में दिखे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तबाही मचा दी और सुपरहिट साबित हुई और फिल्म ने 4 फिल्मफेयर अवार्ड अपने नाम किए और इसी साल अक्षय खन्ना, माधुरी दीक्षित और संजय कपूर के साथ फिल्म मोहब्बत में नजर आए और 1998 में अक्षय खन्ना ने फिल्म डोली सजा के रखना और कुदरत में काम किया, जिसके बाद 1999 में अक्षय की लगातार 4 फिल्म आई, आ अब लौट चले, लवारिस, ताल और दहेक। ये सब फिल्म करने के बाद अक्षय एक सुपरस्टार बन गए, जिसके बाद 2001 में फिल्म दिल चाहता है में दिखे और 2002 में हमराज और दीवानगी करी। दोस्तों, अक्षय बतौर कॉमेडियन भी फिल्म में काम कर चुके हैं। इनकी कॉमेडी फिल्म की लिस्ट में हंगामा, हलचल मेरे बाप, पहले आप और नो प्रॉब्लम जैसी फिल्में शामिल है और ये सब फिल्म करने के बाद अक्षय रुके नहीं और फिल्म पर फिल्म करते चले गए, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है रेस, 36 चाइना टाउन, नकाब, आक्रोश, गली गली चोर है, ढिशुम और सब खुशल मंगल। और अब ज्यादातर अक्षय खन्ना फिल्म में बतौर विलन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अक्षय खन्ना की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट फिल्म है। चलिए मिलवाते हैं आपको अक्षय खन्ना की फैमिली से। तो इनके पिता का नाम है विनोद खन्ना, जो कि एक एक्टर और पॉलिटिशियन है, लेकिन ये अब हमारे बीच नहीं रहे। 2017 में इनका निधन हो गया था। और अक्षय की माँ का नाम है गीतांजलि खन्ना, जो कि एक मॉडल थी, लेकिन 2018 में इन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इनका एक भाई है जिनका नाम है राहुल खन्ना। बात करें अक्षय खन्ना के रिलेशनशिप की, तो दोस्तों फिलहाल अक्षय खन्ना अनमैरिड है, लेकिन अक्षय के नाम बॉलीवुड के कई एक्ट्रेस के साथ जुड़े हैं, जैसे कि करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय और तारा शर्मा के साथ। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना के हाउस के बारे में। तो दोस्तों, अक्षय खन्ना तारदेव मुंबई में रहते हैं और ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, जैसा कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें अक्षय खन्ना के कार कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इनके कार कलेक्शन में पहली कार है होंडा CRV, जिसकी कीमत है 28 लाख रुपए, और अक्षय के पास BMW और ऑडी जैसी कई लग्जरी कार भी है, जिसे अक्षय चलाते हुए मुंबई की सड़कों पर कई बार दिखे हैं। वहीं बात करें अक्षय खन्ना के इनकम के बारे में, तो दोस्तों अक्षय खन्ना एक फिल्म में काम करने के लिए 3 करोड़ रुपए लेते हैं। अब बात करते हैं अक्षय खन्ना के नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों इनका टोटल नेटवर्थ है 148 करोड़ रुपए। तो ये थी अक्षय खन्ना की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।